और पश्चिम बंगाल में तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला। कोलकाता के एंटाली इलाके में एक की मौत, घर की छत टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई जगहों पर तेज आंधी से पेड़ उखड़े हैं। बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। कोलकाता के एंटाली इलाके में एक की मौत हो गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला है। कोलकाता के एंटाली इलाके में एक की मौत, घर की छत टूटने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। कई जगहों पर तेज आंधी से पेड़ उखड़े हैं। बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। पश्चिम बंगाल में तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला। कोलकाता के एंटाली इलाके में एक की मौत भी हुई है। देखिए, लगातार तूफान रैमल का खौफ बरकरार है। और इस बीच अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो तेज हवाएं, बारिश इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कई जगहों पर ये जो हवा का रुख है वो आप देख सकते हैं, कितनी तेज हवाएं इस वक्त वहां पर चल रही हैं। इतनी तेज हवाएं हैं कि कई पेड़ रास्ते में गिरे हुए हैं। बारिश बहुत तेजी से हो रही है। लोग परेशान हो चुके हैं। लगातार रामल जिस तरह के तट से टकरा रहा है, उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश, कहीं पर लोगों के छत टूट रहे हैं तो कहीं पर लोग खुद इस रैमल तूफान का सामना कर रहे हैं। कई गाइडलाइंस भी जारी हैं, NDRF की टीम्स की भी तैनाती हैं। लेकिन इस बीच रैमल तूफान ने पश्चिम बंगाल में मुश्किलों को बढ़ाया है। तूफान का रेड अलर्ट है और ऐसे में खुद PM मोदी ने भी रैमल तूफान को लेकर समीक्षा बैठक की थी और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए थे। जो भी ज़रूरत है वो दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी दरकार है वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, रैमल का जो खौफ है वो किस तरीके से बना हुआ है। और बंगाल में लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं क्योंकि कई जगहों पर पेड़ गिर रहे हैं, लोगों के जो घर हैं वो बिखर रहे हैं इसी हवा के कारण, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं इस वक्त वहाँ पर चल रही हैं। और देखिए, ये जो गर्जन आपको सुनाई दे रही है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तूफान कितना भयानक है। हालांकि लोग भी तमाम एहतियात बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। और सुब्रत मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। सुब्रत, क्या स्थिति है अभी तूफान रैमल की? हाँ, ये पूजा, ये स्थिति है कि उड़ीसा में जो रैमल का स्थिति है कि कल शाम में ही यहाँ बारिश हुआ था। कोस्टल रीजन में, भुवनेश्वर में, कटक में, भद्रक में, बालेश्वर में, और ये भी कहा जाए तो सदन पाटक, उड़ीसा, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहंडी, ये सब जिले में बारिश हुआ था। तेज बारिश, 1 से 1.5 घंटा तक बारिश हुआ था। लेकिन काफी आगे जो स्थिति है यहाँ उड़ीसा में, क्लाइमेट ऐसा है कि एकदम सूखा है, ड्राई है। बारिश का स्थिति अभी कुछ नहीं है क्योंकि जो रैमल साइक्लोन है वो अभी तक वेस्ट बंगाल तक चला गया है। मतलब वेस्ट बंगाल में ही अभी सिर्फ रैमल है। आप कह रहे हैं कि ओडिशा में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वहां उसके पहुंचने के आसार हैं। जी जी, अभी स्थिति जो है ओडिशा में स्थिति काफी सही है, ड्राई है। कल शाम में ही बारिश हुआ था। ठीक है सुब्रत, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की जानकारी आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे सहयोगी ओडिशा से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि ओडिशा की स्थिति अभी सामान्य है। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, रैमल तूफान की तस्वीरें, रैमल का खौफ किस तरीके से वो आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लोगों की इस वक्त परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए लोगों के घर टूट गए, जैसा अभी हमने जिक्र भी किया कि देखिए अगर अभी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो लोगों के घरों की छतें हैं वो गिर रही हैं। इस तरह के आलम इस वक्त वहाँ पर देखने को मिल रहा है। माना यह जा रहा है कि रैमल तूफान का जो खतरा है वो जल्द ही थोड़ा सा कम हो जाएगा, अभी स्थिति ऐसी मानी जा रही है। लेकिन अभी जो फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो अभी तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है और अभी बहुत जल्दी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। चक्रवाती तूफान रैमल ने सुंदरबन से लेकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम तक कह ढाया। इस दौरान तूफान की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आधी रात से पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत तमाम हिस्सों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हुई है।